नमस्ते दोस्तों, दिस इज पीवीजे। ओकिनावा की ओकी 90 लॉन्च हो चुकी है और उससे पहले ओला की S1 प्रो और एथर की 450X मार्केट में तहलका मचा चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं ओकिनावा ओकी 90, ओला S1 प्रो और एथर 450X का। ये तीनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है गाइज, बहुत ही परफॉर्मेंस बेस्ट स्कूटर है, तो इनका स्ट्रेट अवे कंपेरिजन करेंगे कंसिडरिंग बैटरी कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी, रेंज, टॉप स्पीड, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ग्रेडेबिलिटी, व्हील साइज एंड एक शोरूम प्राइस। सो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकॉन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस गाइस, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट क्या होता है? वो होता है बैटरी। यस, तो ये जो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बैटरी के साथ। ओकी 90 की बैटरी कैपेसिटी है 3.6 किलोवाट आवर, ओला S1 प्रो की बैटरी कैपेसिटी है 3.97 किलोवाट आवर और एथर 450X की बैटरी कैपेसिटी है 2.9 किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक यूनिट होता है एक किलोवाट आवर का। मतलब अगर आप ओकी 90 चार्ज कर रहे हो तो करीबन आपको 3.6 यूनिट कंज्यूम होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ओला चार्ज कर रहे हो तो करीबन 4 यूनिट्स कंज्यूम होंगे और एथर चार्ज कर रहे हो तो करीबन 3 यूनिट्स कंज्यूम होंगे। अभी एक यूनिट का जो प्राइस है उससे इससे मल्टीप्लाई करो, आपको बैटरी चार्ज करने में कितना पैसा लग रहा है वो सामने आ जाएगा। तो करीबन ओकी 90 चार्ज करने में आपको, अगर मैं 10 रुपया कंसिडर करूं, बहुत ज्यादा अमाउंट कंसिडर कर रहा हूं, 10 रुपया कंसिडर करूं तो 36 रुपया लगा ओकी 90 को, ओला S1 प्रो को करीबन 40 रुपया लगेगा चार्ज करने के लिए और एथर 450X को करीबन 30 रुपया लगेगा चार्ज करने के लिए। अभी इस बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज कि ये जो है ओकी 90, इसमें है डिटैचेबल बैटरी, आप बैटरी निकाल सकते हो आपकी व्हीकल में से, बट ओला S1 प्रो और एथर 450X में डिटैचेबल बैटरी नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी की बात करें तो ओला S1 प्रो में अभी अभी हमें देखने को मिला कि जल चुकी है ओला S1 प्रो पुणे में, तो उसमें है कौन सी बैटरी है? NMC निकेल मैंगनीज कोबाल्ट, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है 150 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में वो जल जाएगी और वही हुआ पुणे में। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी आपके सामने आएंगे क्योंकि वो जो व्हीकल है गाइस वो डच ब्रांड है इटरगो, उसका कॉपी पेस्ट है इंडिया में एज ओला। तो इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वे डिफरेंट एज कंपेयर टू यूरोप। तो गाइस ऐसा हो सकता है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि ओकिनावा और एथर जो है वो दूसरी बैटरी केमिस्ट्री यूज करती है जो है LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट, और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है गाइस 250 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो ओकी 90 और एथर 450X की बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से टेम्परेचर जो थर्मल मैनेजमेंट है वो कर सकती है एज कंपेयर टू ओला S1 प्रो, बिकॉज ओला में है NMC। मैं नहीं बोल रहा कि ओला पूरी खराब है, बट NMC बैटरीज के लिए आपको कुछ चीजें अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी चाहिए, नहीं तो वो थर्मल रन ओवर के वजह से वो बैटरी जल सकती है। आगे जाते हैं, मोटर कैपेसिटी। तीनों व्हीकल्स में गाइस AC मोटर है, PMSM मोटर है, हब मोटर नहीं है, इसलिए परफॉर्मेंस तगड़ा है। अगर ओकी 90 की बात करें तो 3.8 किलोवाट की मोटर है, ओला S1 प्रो में 8.5 किलोवाट। गाइस ये पिक पावर्स मैंने लिखे हैं, नॉमिनल पावर्स नहीं लिखे हैं, पिक पावर, सबसे ज्यादा पावर कितना मोटर डिलीवर कर सकता है। तो ओला S1 प्रो का बहुत ही तगड़ा पावर है गाइस, 8.5 किलोवाट मतलब 8500 वाट पावर है और एथर का है 6 किलोवाट। तो अगर इसमें देखा जाए तो ओला की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आपको क्विक एक्सेलरेशन देती है, बहुत ही फास्ट आगे जाती है। ओला गाड़ी अच्छी है गाइस, बट कंसिडरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस इन इंडिया, कंसिडरिंग द रोड कंडीशंस इन इंडिया एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, जो कंज्यूमर है, जो गाड़ी चलाने वाला है, उसका जो बिहेवियर एनालिसिस है वो ओला ने किया नहीं है। जैसे यूरोप में गाड़ी चलती है, यहाँ पे लॉन्च कर दी इटरगो थी वहां पे, यहाँ पे आ गई ओला। तो गाइज बैटरी कैपेसिटी में भी ओला आगे है, मोटर कैपेसिटी में भी ओला आगे है। अभी रेंज की बात करें, यहाँ पे जो मैंने रेंज लिखे है गाइज 200 किलोमीटर, ये जो रेंज है ये ओकी 90 का बोला जा रहा है कि ये इको मोड में होगा। इको मतलब करीबन 40-45 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो तो 200 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा, बहुत ही तगड़ा। ओला S1 प्रो में ऑलरेडी 135 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है,
इको मोड में, और एथर में मिलता है करीबन 85 किलोमीटर का। तो गाइस एथर को बहुत लोग कम आंकते हैं, बट एथर का डिजाइन, एथर का ड्यूरेबिलिटी, एथर का बैटरी, एक एथर में बैटरी में एक्टिव कूलिंग है गाइस, बहुत ही तगड़ा दिमाग लगा के एथर बनाया है। वो आपको रेंज शायद कम देगी, बट वो आपको बड़े पैमाने पे 3-4 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं देने वाली आगे जाके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तीनों व्हीकल्स में बेल्ट है, तो बेल्ट वो खराब हो सकता है, नया बेल्ट डालना पड़ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है एथर का डिजाइन, एथर का जो लुक है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ही हटके है, बहुत ही ज्यादा हटके है। तो यहां पे रेंज में बाजी मार देता है ओकी 90, 200 किलोमीटर का रेंज है। आगे टॉप स्पीड की बात करें गाइस, सिटी एप में अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो सिटी के लिए, तो मैं बोलता हूँ 60 km/h बहुत ज्यादा हो गया गाइस, बट आप सिटी के बाहर जाना चाहते हो तो यहाँ पे स्पीड्स देखना जरूरी है। टॉप स्पीड ओकी 90 का बोल रहे हैं कि 90 km/h होगा, ओला S1 प्रो का करीबन 115 km/h है, और एथर 450X का करीबन 80 km/h है। तो यहाँ पे ओला S1 प्रो का बहुत ही ज्यादा स्पीड है, और ये एक्चुअली मिलता है 115 का इस, बट सिटी में कहाँ पे चलाए गए 115 के स्पीड से। अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करना चाहते हो, एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहते हो, तो ये स्पीड अच्छा खासा है, बट उसके आगे टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना फास्ट आप एक्सेलरेट कर पाओगे, कितना जोर से आपकी गाड़ी आ जा पाएगी, वो टॉर्क पे बहुत डिपेंड होता है। तो टॉर्क का मेंशन नहीं किया है कुछ भी ओकिनावा ने, ओकिनावा की कौन सी भी व्हीकल का टॉर्क उन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो प्रेस प्रो हो या आई प्रेस प्लस हो, कौन से भी व्हीकल का। बट अगर हम ओला S1 प्रो की बात करें तो 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इधर 450X की बात करें तो 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो यहां पे भी ओला S1 प्रो बाजी मार जाती है, 58 न्यूटन मीटर इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टॉर्क है। आगे जाते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0-90 km/h कर सकता है 10 सेकंड्स में, खाली 10 सेकंड्स में ओकी 90 0-40 km/h स्पीड अचीव कर सकता है, ओला S1 प्रो 3 सेकंड्स में 0-40, और एथर 450X 3.3 सेकंड्स में 0-40। गाइज यहां पे मैंने सिंपल वन नहीं लिया है, क्योंकि सिंपल वन जो है ना गाइज, वो अभी सिर्फ मुझे बैंगलोर में अवेलेबल है ऐसा पता चला है, बट ये ओला S1 प्रो और एथर 450X पूरे इंडिया में अभी अवेलेबल है, और ये एक अपकमिंग स्कूटर है, इसलिए इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी लॉन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। सिंपल वन मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। रुको जरा, सब्र करो, अभी तक वीडियो देखा है तो लाइक कर दो ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ मैं पहुंच रहा हूं, आपकी तरफ मैं पहुंचा रहा हूं, तो मुझे भी मोटिवेशन लगता है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी क्या होता है कि कितने एंगल का एलिवेशन आपका स्कूटर चढ़ सकता है, दैट इज ग्रेडेबिलिटी। और मुझे ऐसा पता चला है कि ओला इसमें बहुत मार खा रहा है, ओनली स्पोर्ट्स मोड में, वो भी सिंगल सीट पे, वो एलिवेशन क्रॉस कर पा रहा है। मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो ग्राफर का नाम या यूट्यूबर का नाम याद नहीं, बट पुणे के इधर उन्होंने वीडियो शूट किया था, और गाड़ी वो घाट्स में चढ़ नहीं पाई, बजाज चेतक और एथर 450X ने इजीली चढ़ लिया, बट ओला S1 प्रो नहीं चढ़ पाई। तो ग्रेडेबिलिटी बात करें तो ओकी 90 की ग्रेडेबिलिटी पता नहीं है कितनी होगी, ओला S1 प्रो की है 12 डिग्रीज और एथर 450X है गाइस 20 डिग्रीज, मतलब 20 डिग्रीज का एलिवेशन ये एथर 450X इजीली चढ़ सकती है। आगे जाके बात करें व्हील साइज, 16 इंच का व्हील साइज है ओकी 90 गाइस, ये दिखने के लिए बहुत ही जबरदस्त है, ये 16 इंच साइज वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च हो रहा है, ताकि लोग तो बोल रहे हैं ये जो है ओकला नाम की जो चाइनीज कंपनी है, उनका ड्रीम जो स्कूटर है, ड्रीम उनका मॉडल था, वैसा ही कॉपी पेस्ट है। मैं कंप्लीटली एग्री हूं भाई, दैट इज कंप्लीटली कॉपी पेस्टेड, बट गाइस कैसा है ना, आप जो मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हो या जो लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो, उसमें जो डिवाइसेस है ना, उसमें से करीबन 50% डिवाइसेस मेड इन चाइना है गाइस, प्रोसेसर्स लो, कंट्रोलर्स लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इंडिया आत्मनिर्भर बने, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें हमने कंप्लीटली मेड इन इंडिया ले ली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम, इट विल श्योरली टेक टाइम। तो ऐसा मत कर बोलो कि वो कि 90 मेड इन चाइना तो छोड़ दिया, भाई चाइना में बुरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, चाइना में बेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो हमें ऐसा सोचना है कि ये ओकी 90 जो है बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक हो सकती है। अभी तक पता नहीं, ऐसा सुनाई दे रहा है कि 2 महीने बाद इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आगे जाके बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है एक्स शोरूम प्राइस, 1.22 लाख एक्स शोरूम प्राइस है ओकी 90 की, ओला S1 प्रो की है 1,10,000 एक्स शोरूम प्राइस, एंड एथर 450X की है 1,38,000। एथर 450X, एथर की बात करूं गाइस, स्टार्टअप था 2013-14 में, स्टार्टअप था, अभी हीरो मोटोकॉर्प में उसका हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हीरो मोटोकॉर्प की खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक मार्केट में नहीं है, उनका सारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है
वो एथर में है। उनका विडा नाम का अभी एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है, बट वो अभी तक उसका पता नहीं क्या होने वाला है। गाइस आई होप आपको पता चल गया कि ये तीन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कैसी है। इसके साथ में आप बजाज का भी कंपैरिजन कर सकते हो, सिंपल वन का भी कंपैरिजन कर सकते हो, मैं वो अलग वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू फॉर गिविंग मी लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।